ओम शांति। पिछले 6 मास से आपकी तैयारी तपस्या की चल रही है। जब से मधुबन से डेट मिली होगी कि तपस्या भट्टी के लिए जाना है मानसरोवर, फिर टिकट बनी, रिजर्वेशन हुए, छुट्टी ली, घर की व्यवस्था, कार्यक्षेत्र की व्यवस्था को सेट किया। किस लिए? लक्ष्य और संकल्प क्या था? तपस्या के लिए। जो हम बाबा के बच्चे पिछले कोई 20 साल से, 40 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 5 साल से बाबा के बने हैं, और बाबा हमें मूलभूत 2 ही आज्ञाएं देते हैं, पढ़ाई पढ़ो और तपस्या के द्वारा कमाई करो। कमाई का आधार है पढ़ाई और कमाई का आधार है तपस्या। तो उस कमाई को करने के लिए, जिस कमाई का नाम है अविनाशी कमाई, वो अविनाशी कमाई 2 ही बातों से होती है, एक पढ़ाई, दूसरी तपस्या। तो बाबा ने पहली शिक्षा टीचर के रूप में कहें या पिता के रूप में आज्ञा कहें, राय कहें, वो हम सब बच्चों को यही दी है कि हम देह से न्यारे, देह को चलाने वाले और परमात्मा की प्रिय संतान आत्मा है। सारा पुरुषार्थ और तपस्या का आधार ही है हमारी सत्य स्वरूप की स्मृति, सत्य स्वरूप की दृष्टि और सत्य स्वरूप का इंद्रियों से व्यवहार। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, यात्रा पर हूँ, अपने निजी देश से यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ, तो जो रविवार की मुरली थी, बेहद की वैराग्य वृत्ति वो हो जाती है, वो बन जाती है। और जो देह का भान भार है, आधा कल्प तक देह की स्मृति ने, देह की दृष्टि ने इस देह की इंद्रियों से मुझ आत्मा की कमाई का घाटा डाला है, वो कंट्रोल हो जाता है। आत्मा अपने निज स्वरूप में टिककर अपनी शक्ति को भर लेती है। जब हम अपनी आत्म स्मृति में रहते हैं, बाबा की पहली आज्ञा का पक्का पाठ कर लेते हैं, तो तपस्या करनी नहीं पड़ती, बल्कि तपस्या तपना अर्थात दृढ़ता, संकल्प की दृढ़ता, स्वरूप की दृढ़ता, और उस स्वरूप और संकल्प के आधार से इंद्रियों की शुद्धता से जो कर्म कराए जाते हैं, जो कहा जाता है योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना संग। तपस्या की तपत अग्नि हमें शीतल बनाती है। जैसे काला कोयला तप के कैसा होता है? लाल होता है, और लाल के बाद श्वेत होता है, और श्वेत के बाद हल्का हो जाता है, राख हो जाता है। ठीक इस प्रकार से
बाबा ने कहा, ये धुन जब लगती है आत्मा के संकल्प की स्मृति में, तो मन में बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है, और वो बेहद की वैराग्य वृत्ति आत्म दृष्टि, आत्म सृष्टि बना देती है, और जिससे हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां, जो आधा कल्प से आत्मा काली हो गई थी, रजोगुणी लाल हो गई थी, वो बाबा की श्रीमत की तप से, लगन से, स्मृति से, समर्थि से, लगन की अगन से शीतल और शांत हो जाती। शीतल और शांत अर्थात जो बाबा ने कहा है वही उसे कानों से सुनाई देता है। क्या शब्द है बाबा का जो कान में गूंजता रहे, मेरी तपस्या चलती रहे, कौन सा शब्द है वो बताइए भाई? मेरा बाबा, माताएं। सबसे पहले जो हम मुरली मिलती है तो कौन सा शब्द सुनते हैं हम प्रतिदिन की मुरली में? मीठे बच्चे। बच्चे तो सब है बाबा के, पूरा विश्व उसका बच्चे हैं, लेकिन हम कौन से बच्चे हैं? मीठे बच्चे। मीठे माना सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस माने आत्म अभिमानी। जैसे कोई धनवान बनता है तो वो एक दिन में नहीं बनता, एक एक पाई पाई संचित करता है, तब वो 100 का नोट बनाता है, फिर और बड़ा नोट बनाता है, और फिर वो मल्टी मिलियनर बन जाता है, धनवान कहलाता है। उस धनवान बनने के लिए उसने संकल्प दिया, समय दिया, बचत की, लक्ष्य धनवान बनने के लिए निरंतर प्रयास किया, और जब वो पैसे की पूंजी उस पर इकट्ठी हुई तो उसका नाम पड़ा धनवान। वो विनाशी धन की प्रोसेस है, अविनाशी कमाई को अर्जित करने के लिए आधार है, माध्यम है मेरी बाबा की बातों की कानों में गूंजती हुई आवाज। जब मैं मन से अपने आप को आत्मा समझती हूं, आत्मभाव में स्थित होती हूँ, आत्मा सन्मुख हूँ, उपस्थित को आत्मा देखती हूँ, तो मेरे मन में, मेरे मन का दृश्य बाहर दिखाई देता है, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो मन में हमारे सदैव उस भाव के कारण नेत्र भी आत्मिक दृष्टि रखने के कारण शीतल हो जाते। आपने देखा है तपस्वियों के नेत्र अधखुले होते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी साधना में बैठे, साधना माने जो लक्ष्य लिया है जीवन का, तप करने का, प्रभु प्रीत करने का, प्रभु के साथ रहने का, उसके लिए वो संसार में रहते हुए भी अर्ध खुले नेत्रों से वो एकाग्र हैं। तो सबसे पहली एकाग्रता किस बात की चाहिए? मन की एकाग्रता। और उस एकाग्रता के लिए बाबा ने मेरा सारा ध्यान, सारी एनर्जी, संकल्प, समय, पल पल कहाँ केंद्रित किया? फोरहेड में। ब्रकुटी के मध्य चमकता है कौन सा सितारा?
अजब सितारा, अजब माना अलौकिक है, अविनाशी है, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर है, इसलिए उसे कहते हैं अजब। अजब उर्दू शब्द है, हिंदी में कहेंगे अद्वितीय, अलौकिक। वो मैं आत्मा हूं, ये मेरे बाबा ने मुझे बताया, ये कान में आवाज मेरे गूंजती रहे। तो मेरा तप का बल पल पल हर सोच से इकट्ठा होता जाएगा। हमारी तपस्या, हमारे बाबा की याद सुबह शाम की नहीं है, घंटे चार की नहीं है, आठ घंटे की भी नहीं है, बल्कि क्या है? निरंतर याद। कैसी याद है? निरंतर याद। निरंतर हम चैतन्य हैं, निरंतर हम जीवन जी रहे हैं, निरंतर हम श्वास ले रहे हैं, निरंतर हम सोच रहे हैं, निरंतर हम कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें बाबा की आज्ञा के प्रमाण चले तो बाबा की याद क्या होगी? निरंतर होगी। तपस्या माना निरंतर याद। मैं अध्ययन करूं बाबा की मुरली से कि आज बाबा ने क्या कहा, मेरे मन की तप के लिए, एकाग्रता के लिए, प्रभु प्रीत के लिए, प्रभु समर्पण के लिए आज बाबा ने मुझे महावाक्यों में, एक एक महावाक्य लाख तो क्या, संसार का सारा वैभव भी तोल दे तो भी कम है, इतना मूल्यवान है, अनमोल है बाबा की मुरली का एक एक महावाक्य। तो क्या वो मेरे प्रियतम प्राणाधार परमेश्वर, जीवन नैया के किवैया, मेरी जीवन की बागडोर संभालने वाले की ध्वनि कान में आ रही है? तो तपस्या की ये धारणा होगी अध्ययन, और कुछ का अध्ययन नहीं। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, गीता में ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ज्ञान सागर से ही मिलता है, ये अनादि है, ये अविनाशी है, ये सत्य है जिस पर वो गीता बनी हुई है। इस गीता के ज्ञान जो मुरली है उसका अध्ययन, पहला अध्याय मैं देह से न्यारी चैतन्य शक्ति आत्मा, ये सोच मेरे 84 जन्मों की संस्कारों को इमर्ज कर देता है। तपस्या माना सिद्धियां, तपस्या माना प्राप्तियां, तपस्या माने वरदान। लेकिन उसका आधार, मैं सर्वोच्च सत्ता की संतान, संतान भी कौन सी? प्रिय संतान। रोज हम सुनते हैं ना, आम सारी दुनिया शिववंशी है, लेकिन हम कौन है? खास हैं, इन पर्टिकुलर हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो उन्हें बाबा स्पेशल फूड देता है, स्पेशल सोच देता है, स्पेशल दृष्टि देता है। उन लोगों को तो बाह्य दृष्टि है, हमारी अंतर्दृष्टि है, त्रिनेत्री हैं हम। वो तीसरा नेत्र कौन सा है? ये मुरलियों के अध्ययन की स्मृति स्वरूप जो स्थिति है वो तपस्या का आधार है। मुरली सुन के हम सब क्या कहते हैं? पीछे से माताएं बताएं, आज बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, यही कहते हैं ना। रोज बाबा हमें कुछ ना कुछ नई नई बातें सुनाते हैं, जिससे हमारे सोच में नवीनता हो, जिससे हमारे कर्म में नवीनता हो, श्रेष्ठता हो, अलौकिकता हो, इसलिए रोज नई नई बातें सुनाते हैं।
दूसरा तपस्या का आधार है मेरा तो एक, बोलो मेरा तो एक, बोलो बोलो, इसमें मौन नहीं है, भट्टी में मौन है पर इस बात को बोलने में मौन नहीं है, मेरा तो एक, दूसरा पक्का पक्का पक्का, चेक कीजिए। फिर मन और बुद्धि जाति का है, अगर दूसरा कोई नहीं है, आज बाबा बता रहे थे परहेज करना है, दवाई कितनी भी अच्छी हो, बीमारी कितनी छोटी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि परहेज नहीं करेंगे तो दवाई का असर, बोलो। तो आज बाबा ने खान पान का परहेज बताया ना, तपस्या माना अंदर और बाहर के, हमारा खान पान तो आंखों से भी खाते हैं हम, कानों से भी खाते हैं हम, वातावरण से भी खाते हैं हम, संग से भी खाते हैं हम। आज बाबा ने परहेज बताया ना खान पान का, तो सिर्फ स्थूल परहेज नहीं, हमने वेजिटेरियन खाना शुरू किया, हमने बाजार का ए ब्रह्मचारी के हाथ का खाना बंद किया, लेकिन मैं खुद भी खाना बना रहा हूं। पहला खाना कौन सा बनाते हैं, रसोई के अंदर खाना बनता है या इस मन के अंदर खाना बनता है, पहला खाना कौन सा, मन के अंदर का खाना। जैसे वो भोजन हमारे तन को तंदुरुस्त बनाता है, पौष्टिक और स्वस्थ बनाता है, ऐसे ये विचार का खाना हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है, और जितना मन शक्तिशाली होता है उतना प्यारे बाबा की याद की तपस्या में केंद्रित होता है। तो मेरे मन के विचार कैसे चल रहे हैं मेरे बाबा के अनुसार, जब ये बात हम कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो इसमें दूसरी बात भी एक और ऐड हो जाती है, तन मन धन और ये जीवन सब कुछ प्रभु अर्पित, प्रभु समर्पयामि, संकल्प करते थे ना भक्ति में जल लेके समर्पित, ऐसे ये जल कौन सा है, संकल्प कौन सा है, ये श्रीमत का जल और दृढ़ संकल्प लेकर हम प्रभु को अर्पित होते, मैं बाबा की, बाबा मेरा। फिर ये मन क्या सोच रहा है, सबने कहा ना, अगर किसी ने नहीं कहा तो वो हाथ उठाओ, या नहीं स्वीकार किया इस ब्राह्मण जीवन में वो हाथ उठाओ कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसको जिसने पालन और धारण नहीं किया है वो हाथ उठाओ, कोई नहीं है। अच्छा जिन्होंने किया है वो हाथ उठाओ, 100% है ना। पर बाबा कहते माया बड़ी रुस्तम है, तो आप ये देखिए कि ये मन कहां जा रहा है, क्या मुझ आत्मा के मन में सदैव बाबा का सोच चलता है, या बाबा की श्रीमत के विपरीत देह मत पर मत उसका भी सोच चलता है। आपने सुनी है राजा हरिश्चंद्र की कहानी, सुनी है, जिसने सुनी, आज बाबा ने बहुत सारी कहानियां सुनाई ना मुरली में, एक कहानी राजा हरिश्चंद्र की भी है, उसने सब कुछ ईश्वर को अर्पित स्वप्न में किया और सुबह जाके गद्दी पर सिंहासन पर बैठ गया, तो उसके सामने वो स्वप्न के जो दूत थे वो आए और उन्होंने कहा ये तो आप दे चुके, इसको अब आप प्राप्त, इस पर कोई यूज नहीं कर सकते, ये आप दे चुके, ये सिंहासन राज्य पाठ आप दे चुके, इसे यूज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वो तो स्वप्न था,
कि वो स्वप्न नहीं था, वो सत्य था। और फिर उसके आगे की कहानी है कि उनको वो राज्य छोड़ना पड़ा। उनको एक संतान थी, पत्नी थी, उन दोनों तीनों ने अलग अलग नौकरियां की, लेकिन उस राज्य का एक कण भी नहीं लिया। समर्पण माना समर्पण। जिस घड़ी मेरा मन विचारों की उत्पत्ति बाबा की सिवाय कर रहा है, उस समय मेरा कौन है, बाबा या कोई वो? तन कहाँ कहाँ लगता है चेक कीजिए, उसे रोकिए। जो हम अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाते समय कहते हैं, योग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, और उसमें एक शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। किसान खेत में पानी चलाता है कि पानी चलता रहता है स्वतः? वो चलता रहता है स्वतः, लेकिन कहा जाता है किसान ने खेत में पानी चलाया। वो क्या करता है, जिधर गीला है उधर नाका बंद कर देता है, जिधर सूखा है उधर नाका खोल देता है। ठीक इस प्रकार तपस्या माना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई माना, जो लौकिक देह हद के संस्कार भर चुके हैं, अनलिमिटेड हो गए हैं, जो मुझे बाप से प्रीत और बाप की आज्ञा को पालन करने में रुकावट डाल रहे हैं, जो मेरे वायदे को निभाने में, मेरी अविनाशी कमाई में ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, उधर से विड्रॉल। फिर ओपन किधर करें, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने किया, जीवन जिया, जीवन जीते हुए वृत्ति दृष्टि कृति समय संकल्प श्वास तन मन धन जन सब किसकी आज्ञा पर चला, किसकी आज्ञा पर चला? एक शिव बाबा। इसे कहा जाता मेरा तो एक दूसरा ना। अभी आप चिंतन कीजिए, मैंने एक आपको चिंतन का बिंदु दिया है, इस एंगल से देखिए आपके मन में मनमना भव स्थिति, मध्याजी भव स्थिति, योगी बड़े परमार्थी की स्थिति, मन शीतल देह का, तपस्वी जीवन का, अंग अंग शीतल, कौन कौन सी बातें नहीं होने दे रही, जिनमें सबसे पहला आकर्षण जो आता है वो अपनी देह का ही ऑब्स्टेकल आता है। देह संबंधों को हम कई बार विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन अपना देह भान, अपनी बुद्धि का बल, हद की बुद्धि, लौकिक बुद्धि, वो हमें घड़ी घड़ी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम यहाँ तपस्या भट्टी में आए हैं तो हम लक्ष्य लेकर जाएं, घड़ी घड़ी इस महामंत्र को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। मेरा तो एक दूसरा ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और जो दूसरे हैं उसके लिए बाबा ने बहुत बहुत सुंदर युक्तियां बताई हैं कि आप ट्रस्टी नहीं, गृहस्थी नहीं, आप ट्रस्टी हो, आप व्यस्त नहीं, आप बिजी नहीं, इजी हो, आप हद में नहीं बेहद में हो। आप अकोला से तपस्या करने आए हैं, लेकिन हमारा बाबा इतना सुंदर संसार हमारे जीवन को बनाने के लिए कितनी दूर से आया है, बोलो कौन आया है ज्यादा दूर से, बाबा या हम? हम ज्यादा बाबा को प्यार करते हैं, बाबा हमें ज्यादा प्यार करता है। आज भी बाबा कह रहे थे कि एक दिन तो बन ही जाएंगे तुम सारे संपूर्ण,
कितना फेथ है बाबा को हमें, कितनी आश है हमें। आप गीत सुन रहे थे ना तपस्या का, तो उसमें क्या था कि हम बाबा की हर आश को पूर्ण करेंगे। हम में कितना गहरा निश्चय है बाबा को, और फिर उसको पालन करने के लिए कितनी सुंदर युक्ति बताता है भट्टी माना दर्पण, एनालिसिस, रियलाइजेशन, निरीक्षण और परीक्षण। जब हम करते हैं तो परिवर्तन की प्रोसेस हमें मिलती है। तो यहां एकांत में बैठकर या संगठित रूप में बैठकर, ये मान सरोवर की धरनी पर बैठकर हम अपने उस दिव्य अलौकिक स्वरूप को निखार रहे हैं। और उस निखारने की दृढ़ता लेके जा रहे हैं कि शेष ब्राह्मण जीवन में अब हमें अपने जीवन को बाबा की श्रीमत की निरंतरता, बाबा की याद की निरंतरता, बाबा की शिक्षाओं को स्वरूप में लाने की निरंतरता में अंतर। बोलो, आवाज नहीं आ रही, करना है नहीं करना? बोलो, नहीं करना है। अब अंतर समाप्त और निरंतरता प्रारंभ। उससे हमारा क्या फायदा होगा? जब कमाई करने का शौक लग जाता है तो वो निद्राजीत हो जाता है। जब कमाई होने लगती है तो खुशी होती है, उमंग दिलाना नहीं पड़ता, उमंग उसे आता रहता है। फिर अलबेलापन, मनमत कहाँ छूट जाती है पता नहीं चलता। लोगों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। हमारी तपस्या भी समय सीमा के अंदर है। हम चाहे अगले जन्म में कर लेंगे, नहीं, तो घड़ी घड़ी हमें अपने इस देह से न्यारे की अशरीरी अवस्था और बाबा को सन्मुख रखते हुए, दोनों बाबा को सन्मुख रखना है, एक निर्देश देने वाला, एक निर्देश को पालन करने वाला। हर परिस्थिति में, संगठन में, छोटे बड़ों के बीच में बाबा ने बाबा की आज्ञा को नहीं छोड़ा। हम सोचें अब वो समय नहीं है, वही समय है। उस समय इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी, साधना ही साधना थी। आज साधना में साधन भी है, सुविधाएं भी हैं, एक्स्ट्रा बोनस है। हमें ही करना है ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ निश्चय मुझे अपनी चेकिंग करने के लिए तैयार करता है कि मैंने कहां तक अपने आप को इस वायदे में खराब किया है, 100% हुआ है। आज ही बाबा ने एक उपाय बताया कि समझो आपने संकल्प लिया और आप उसे पालन नहीं कर सके, कुछ प्रतिशत कम रहा तो क्या करूं? बिल्कुल राइट, बाबा को पत्र लिखो। कौन सी कलम से लिखेंगे? दिल की दवात में कलम डुबोकर, कर्म का कलम, हाले दिल का सच लिखता हूं, बाबा तुझको खत लिखता। रियलाइजेशन, बाबा ने कहा मैंने करने का संकल्प लिया पर मैं इसको कर नहीं पाया। हर एंगल से बाबा ने हमें समझ दी है, सहारा दिया है, फेथ रखा है, निश्चय रखा है और मदद कर रहा है कि आप एक बार करेंगे मैं हजार नहीं पदम गुणा आपको मदद दूंगा। उससे
हमारा आत्मा का बल इकट्ठा होता है वो सच्चाई से, तपस्या माना सच्चाई। तपस्या माना जंगल में जाना नहीं, हमारे आदि जो सेवा हुई पिताश्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के पहले भाग को जब हम पढ़ते हैं, या दादी दीदियों की गौरव गाथाएं जीवन गाथाएं पढ़ते हैं सुनते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने एक जगह बैठ के नहीं तपस्या की, बल्कि उन्होंने सोच बोल कर्म को जीवन में निरंतरता दी, और जिससे वो जिसके संपर्क और व्यवहार में आते थे उनको अपना संग दे के अपने जैसा बना लेते थे। वो ज्ञान सुनाते नहीं थे, उनसे ज्ञान दिखाई देता था। कहीं संसार में जब हम मेले प्रदर्शनियां करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो सब कहते हैं ना, तुम सारे एक ही भाई एक ही परिवार के हो क्या? क्योंकि हम सबका सोच, हम सबकी दृष्टि, ज्ञानंजन सबको एक सा ही मिला है ना लगाने को आंखों में, हम सबके बोल एक जैसे, भाई जी बहन जी, हम सबकी ड्रेस, हम सबका घर, बोलो कहीं अलग अलग एड्रेस है क्या? साकार एड्रेस हम ब्राह्मणों का मधुबन, और सारी विश्व की आत्माओं का हमारा विशेष घर सबके आंखों के सामने है ना। कल बिंदी बिठा के दिन भर बुद्धि में बाबा रखा था, और आज सामने क्या है? परमधाम सबके लिए दूर है, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए सन्मुख है, वहीं बैठे हैं, देह यहां रखा है फूल की तरह। इतन जुत्ती बन के चरणों में है साकार लोक में, और मन बुद्धि पलकों में सूक्ष्म वतन से परमात्मा के साथ में है, इसी की निरंतरता का नाम है तपस्या। और ऐसी तपस्वी आत्माओं के ही अंग शीतल होते हैं, मन शीतल होता है, बोल शीतल होते हैं, दृष्टि शीतल होती है, और उनका रोम रोम शीतल होता है, जिसका अर्थ है ओम शांति। तपस्या माना ओम शांति। यज्ञ के आदि काल में निज स्वरूप में ही टिकते थे। अब हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि समय बड़ी तेजी से जा रहा है, और बाबा ने कई बार इस बात को कहा है, आदि सो अंत। यही हमारा निज स्वरूप का अभ्यास प्रभु प्रीत को बढ़ाने में, प्रभु प्रीत की डोरी में, अनुभवों में खो जाने में, जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, जो इस देह को लेकर हमने अर्जित किए, उन्हें मिटाने में दिव्यता श्रेष्ठता को धारण करने में मदद करेगा। संसार से तो हम बहुत श्रेष्ठ बन गए, लेकिन लक्ष्य है हमारा माता पिता समान बनना। तपस्या माना इस अंतर को खत्म करना। मेरा बाबा परिवार से अलौकिक बना, संपूर्ण बना, और हमारी मीठी मम्मा अभी कुछ दिन पहले आया था ना मुरली के अंदर कि मम्मा कुमारी है, बाबा परिवार वाला है। शब्द तो बाबा ने दूसरा ही बोला था, लेकिन दोनों ने करके दिखाया। अब समय नहीं है धीमी गति से पुरुषार्थ करने का,
इस तपस्या भट्टी में हम आए हैं तो समय की पहचान को और अपने आंतरिक जगत को चेक करें कि क्या इतने समय शेष जो रहा है, इस समय शेष के अंदर मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगा, और कंप्लीट करना है मुझे जो बाबा ने मुझ में आश रखी है, तो उसके लिए मुझे कितनी स्पीड बढ़ानी होगी और क्या युक्ति अपनानी होगी। ये प्लान करना होगा। जब डायग्नोसिस कोई बीमारी हो जाती है तभी वो परहेज किया जाता है, तभी वो ट्रीटमेंट लिया जाता है, तभी वो क्योर होता है। भट्टी माना ये परिवर्तन की परिपक्वता को अपने अंदर धारण करना। उसके लिए मेरी दिनचर्या पर बड़ी पैनी नजर। समय वो एनर्जी है, संकल्प वो एनर्जी है जो मेरी की कमाई को भी खत्म कर देती है। अमृत का कलश मेरा भरा हुआ है प्राप्तियों से, लेकिन अगर उसमें एक तिनका विष का डल जाए तो सारा अमृत क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। जो कल्प वृक्ष की कहानी सुनते हैं कि थका हारा राही कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचा और उसकी हरी भरी शीतल छाया में बैठकर उसकी शीतलता का अनुभव करने लगा, लेकिन उसे एक संकल्प आया, क्या ही अच्छा हो एक बढ़िया सा बिछोना यहाँ आ जाए, थके हारे को शीतल वृक्ष मिल जाए, घना छाया का तो राहत मिलेगी ना। अब राहत में उसकी राहत और बढ़ गई, क्या मिल जाए? बिस्तर मिल जाए, बिस्तर हाजिर हो गए। फिर इच्छा हुई गरम अच्छा भोजन मिल जाए, थका था ना, आवश्यकता थी, भोजन हाजिर हो गया। अब उसे बड़ा आश्चर्य लगा, उन सबके संस्कार उसके बने तो थे नहीं, पर अच्छे विचार उसे आए और अच्छा प्राप्त हो गया। लेकिन अचानक एक संकल्प कौन सा आ गया बोलो? दूसरा आ गया और वो होने लगा। आप सबको, हम सबको सुनी हुई बात है ना, है ना? कहने का भाव मेरा ये है, प्यारे बाबा, इतना सुंदर इंस्टीट्यूशन हम बच्चों के श्रेष्ठ जीवन के लिए बनाकर, इतनी सुंदर पद्धति ज्ञान योग धारणा धर्म राज्य की बनाकर दे रहे हैं, और हम भी संकल्प तन मन धन इसमें जीवन लगा रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक संकल्प, साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प क्या कर देता है? मेरी सारी कमाई को अमृत से विष में बना। अपने में डाउट आ जाता है, इससे आगे तो मैं नहीं बोलूंगी। तपस्या माना संकल्प दृढ़ करें कि आज से, अब से तपमय जीवन बनाने के लिए मुझे साधारण और व्यर्थ सोच को नहीं रखना है। संगम माना वरदानी समय। प्रभु कैमरे के नीचे पल पल जीने का और सोचने का समय। बात छोटी सी होती है लेकिन वो असाध्य हो जाती है। आज बाबा ने कहा ना, जो राजा बनते माया भी उनसे बड़ी अच्छे से युद्ध करती है, प्रजा बनने वालों से नहीं करती। अब तपस्या करके तो सब राजा रानी बनने वाले हैं ना, सारे कौन बैठे हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी माना सोलह कला संपूर्ण, और सोलह कलाएं बिना तपस्या के आ नहीं सकती। काला लोहा
अग्नि में पड़ता है, तपता है, तो उससे सारे औजार टूल्स बनाए जाते हैं। तो मुझे भी शोले कला बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, उसका आधार है तपस्या। तपस्या में दिनचर्या का महत्व, दिनचर्या में भी सोच का महत्व, और तीसरा कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाने का अटेंशन। संगम माना, विकार मुक्त तो हम हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाप समान, अलौकिक दादियों के समान, मुरली की श्रीमत प्रमाण अपनी सूक्ष्म स्थूल इंद्रियों को चलाना, जिससे विकर्म विनाश होगा, शुभ श्रेष्ठ कर्म संचित होंगे, जमा होंगे, तो जो बाबा की आशय और मेरी इच्छा है उसको मैं सफल कर सकूंगी। हर कार्य में एक बहुत अच्छी बात आज ही बाबा ने कही अव्यक्त इशारे में, हर बात में, हर परिस्थिति में क्या ध्यान हो, अच्छा हो रहा है। हो सकता है जिस तरफ से मैं देख रहा हूं उस तरफ से मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन उसके दूसरे दृष्टिकोण से मैं देखूंगा, सोचूंगा, तो उसमें मेरा कल्याण है, अच्छा है। ये अच्छा रखने का भाव निरंतर हर बात में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर व्यवहार में अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वो मेरे मन को अचल रखेगा। और चौथी बात, जब रात को सोएं तो सोते समय क्या करें, बाबा को अपना चार्ट जरूर दें कि आज अमृत वेले मैंने शुद्ध पवित्र शांत आत्मा बनने का लक्ष्य लिया था, स्वमान लिया था, लेकिन कौन कौन सी कठोर संस्कार अंदर के जगे, कौन कौन सा बदपरेजी का भोजन बाहर के वातावरण से इंद्रियों ने ले लिया और मन को दे दिया, जिससे मन बुद्धि का कुपोषण हो गया, डिहाइड्रेशन या बदहजमी हो गई, वो चेक करो। और जो रिजल्ट मुझे मिला उसके लिए मैं प्यारे बाबा को और अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को शुक्रिया करो। और जो नहीं हो सका उसके लिए मैं निरीक्षण करूं कि कौन सी ऐसी धारणा का ध्यान, कौन सी बाबा की आज्ञा की चूक मुझ आत्मा से हुई जो मैं लक्ष्य लेकर इसको फुलफिल नहीं कर सके। जब प्रतिदिन की दिनचर्या में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक इन बातों पर हम ध्यान देते हैं, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, अशरीरी बनते हैं, तो वो अटेंशन हमारी निरंतर तपस्या को बना देता है। और ऐसी निरंतर तपी हुई आत्मा कहाँ भी जाएगी, वहां उससे वही नजर आएगा जो मैं सोच रहा हूं। क्या नजर आएगा? कि कुछ अलग है, ये कुछ विशेष है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। बाबा ने कई बार हमें उलहना दिया है कि मैंने बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया है,
और इतने सारे बच्चों ने मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष होंगे हमारे सत्य स्वरूप से, हमारे सत्य जीवन से, हमारे तपोनिष्ठ संस्कारों से, हमारे मस्तक से, हमारा चेहरे का ओरा, हमारे वाइब्रेशन, इस बात का परिचय दें हमारा पिता कौन है, हमारा शिक्षक कौन है। अभी मानते हैं कुछ प्रतिशत में, लेकिन जब हमारी निरंतरता हो जाएगी तो वो भी मानने के अंतर को समाप्त कर देंगे। हमारा स्लोगन ही है स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की आधारशिला है। स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का सशक्तिकरण ही विश्व का परिवर्तन और विश्व का स्वर्गिक भूमि बनना है। तो हमारा यही शुभ संकल्प आप सबके लिए है कि आप जो तन मन धन जीवन समय संकल्प श्वास लगाकर मानसरोवर में पहुंचे हैं, तो जब यहां से जाएं तो कैसे जाएं? निरंतर तपस्या की मूरत बन के जाएं, अलौकिक फरिश्ता बन के जाएं, दिव्य मूरत बन के जाएं। जहां आप उपस्थित हो वहां शांति का वातावरण बन जाए, लोग आपके दर्शन के लिए दौड़ के आए, मिलने आए कि हमेशा जाते थे लेकिन इस बार के जाके आने में तो कुछ अलग परिवर्तन आया। हमारे इष्ट देव और इष्ट देवियां आए हैं, वो लगन की अगन, वो प्रभु प्रीत की डोरी की मजबूती, वो निरंतर चेक एंड चेंज बनके चांसलर बनने की विद्या विधि, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये तात और आश की निरंतरता इसको साबित करें कि वास्तव में इन्होंने घर गृहस्थ में रहकर परमात्मा के सानिध्य और सुख को पाकर इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, बल्कि इन्होंने पाया है। ऐसा संकल्प लेके जाएंगे, ऐसा बाबा को पत्र लिखेंगे, ऐसा अपना निमित्त दीदियों को भी अपना हाल चाल देंगे। थोड़े ही दिन होते हैं बाबा की मुरली में, हम बाबा के इतने बच्चे हैं, बाबा का पत्र रोज आता है, इतने बच्चों को बाबा पत्र देता है और हम बच्चे पत्र बाबा को लिखना, बोलो। जैसे ही टाइम होता है तैसे ही बाबा मुरली लेके आ जाता है और कहता है भाई पत्र लिखो। और हम सब अनुभवी हैं, पुरुषार्थी हैं, जानते हैं कि जब पत्र बाबा को लिखते हैं तो योग किसके साथ होता है? मुरली सुनते समय बुद्धि फिर भी बाहर जाएगी, लेकिन जब बाबा को अपने दिल का हाल लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, आत्मा की कहानी लिखते हैं, तो बाबा और मैं ही होते हैं, तीसरा कोई नहीं आता। इसलिए इतने सारे बच्चे बाबा के होते हुए भी पत्र की निरंतरता को छोड़ देते हैं, तो बाबा फिर स्वीट बाबा स्वीट बच्चों से कहता है भाई पत्र तो लिखो मुझे। बाबा समझ जाता है पत्र नहीं आ रहा है, बच्चे का हालचाल ग्राफ
ग्राफ लौकिक में तो कहता है ठीक, पत्र नहीं आ रहा तो ठीक ठाक है, पर हमारा पारलौकिक पिता कहता पत्र नहीं आ रहा तो ग्राफ अप है, डाउन डाउन है, अप नहीं है। अप वाला तो बिना लिखे रहेगा ही नहीं। तो ऐसे प्यारे बाबा को दिल का पत्र हम यहां से आगे के ब्राह्मण जीवन का, तपस्वी निरंतर जीवन का संकल्प का लिख के जाए। जैसा संकल्प लेते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ हाँ, धीरे धीरे नहीं उठाइए, आप सब जागृत अवस्था में बैठे। थैंक यू। तो आपका यहाँ मानसरोवर में आना, परिजादा परिजादी बनना, ये इस तपस्या भट्टी से सार्थक होगा। ओम शांति।